अरे तूने चाइनीज बिल्ली, हाथ टूट जाएगा मेरा। ये नाम कैसा आपका, घूमो सिंह? वो मेरे पिताजी पंजाब के थे, उनको घूमने का बहुत शौक था और वो पंजाब के बहुत बड़े पहलवान थे, एकदम मेरी तरह। घूमते घूमते एक दिन चाइना चले गए, फिर उधर उन्होंने नूडल्स खाने के लिए एक होटल में गए तो नूडल बनाने वाली से उनको प्यार हो गया, वैसे उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और भट्टी के चारों ओर सात फेरे ले लिए, बस तो वो मेरी मम्मी बन गई और वहीं से उसको हनीमून मनाने के लिए ले गए। अच्छा। फिर मम्मी ने कुछ ऐसी हरकतें गई कि पापा का दिमाग घूम गया, तभी 9 महीने बाद ये मोटा हाथी जैसा बच्चा पैदा हुआ। घूमो सिंह, वाह वाह, वाकई में वाह बच्चा थी, जैसे मैं पैदा हुई सारा मीडिया अंदर आ गया और सारे मुझे बधाई देने लगे। आपको बधाई? क्योंकि मैं और मेरी मम्मी एक ही सेहत की थी, उनको पता ही नहीं चल रहा था बच्चा कौन है माँ, सारे लोग मुझे बधाई दे रहे थे, बहन जी बधाई हो, बेबी हुई है, बेबी हुई। मैंने कब है बच्चा, मम्मी को बधाई दो। लेकिन भूमो सिंह बहुत लंबा नाम नहीं है, कोई छोटा निकनेम नहीं आपका? है, मेरा छोटा नेम भी है, नूडली। नूडली? नूडली गूंदा हुआ आटा? No. वो लगती हैं आप, भूल गए तुम अपनी। मैं? याद करो जब चाइना में 70 रुपए में एक ढाबे में काम करते थे, इधर इंडिया में आके 150 रुपए मिलने लगे, इधर तो बड़ी बड़ी बातें करने लगे। एक बात बताइए, आप यहाँ पर आई क्यों हैं? मैं यहाँ किचन की सुपरस्टार बनने आई हूँ। नो 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 नो, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने अपने 12 जितने भी किचन स्टार्स थे वो ले लिए, तो अब जगह नहीं है। वैसे भी मैं यहाँ पे कंटेस्टेंट बनने नहीं आई, जैसी तुम तीनों की हरकतें हैं मैं सोच रही हूँ कि मैं इधर जज बन जाऊँ। जज बनने आई आप? जी। तुम्हारे संजू को तो मैं बचपन से जानती हूँ, बचपन से। संजय दत्त? अरे वो नहीं, संजीव कपूर, मुझे आज भी याद है, जब इतना सा फटी बनाए मुँह पे मट्टी लगी होती थी, मैंने कहा बेटा इधर आओ एक कटिंग चाय पिलाओ, उसने इलायची का ऐसा तड़का लगाया चाय में, ऐसा लगाया, मैं उसी वक्त समझ गई थी ये बच्चा बड़ा होके दिन रात पकाएगा, दिन रात पकाएगा, और आज देख लो कितना पका रहा है खाना। लेकिन मजे की बात है, उन्होंने कभी भी आपका जिक्र नहीं किया। वो तो ठीक है, लेकिन बार बार करछी मेरी आँख में मत घुमाओ, अगर बच गई तो ये भी बंद हो जाएंगी। ये सूरज किधर है? सूरज सूरज, वो कुर्ता पजामा, ये सूरज है, मुझे लगा कुर्सी रखी है। देखो कितना हंस रहा है, ताली बजा रहा है। आपको बताए फूड कॉम्पिटिशन के लिए सिंगापुर आया था ये? हाँ, बहुत सारे कंटेस्टेंट थे, सब ने जो मैंने बोला वही बनाया, इसने नहीं बनाया मेरे कहे का खाना, ये अकेला जीत गया। लेकिन ये विक्कू किधर है? विक्कू कौन? अरे जो तीसरा तुम लोगों के साथ शेफ है, विक्कू। विक्कू विक्कू तीसरा जज, जो खाना जब लेडीज अच्छा बनाते हैं उनको पकड़ पकड़ के जपिया डालता है, वही विकास खन्ना। मैंने कितनी बार देखा है कि कई लेडीज अच्छा खाना भी नहीं बनाती, फिर भी उनको पकड़ के ऐसे करते हैं, खाना बहुत अच्छा बना, खाना बहुत अच्छा बना। कभी कभी मुझे शक होता है कि वो शेफ नहीं मसाज करने वाला था, है ना? लगता तो मुझे भी ऐसा ही, लेकिन उसको पता चला कि आप आ रहे हो तो वो खिसक गया। कहीं कोने में जाके किसी को शाबाश तो नहीं दे रहा? हाँ। एक्चुअली आप सीधा जाएंगी, राइट मुड़ेंगी, थोड़ा सा लेफ्ट लेते राइट मुड़ेंगे, वहीं पे खड़ा। सच्ची मुच्ची?